भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मांगा इस्तीफा। कहा झारखंड में जमीन और शराब माफिया चला रहे सरकार। जामताड़ा के मिनीजाम में वाहन चेकिंग के दौरान 16 लाख रुपए नकद बरामद। नावा बाजार के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को एसीबी ने 9000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से मिले राहत। 19 से 22 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश के आसार। वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज बरही में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी मनीष जायसवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों के अलग राज्य का सपना पूरा करने के लिए भाजपा आगे आई और इसका विकास भी भाजपा ही कर सकती है। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों ने लूट मचा रखा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही संकल्प है, न खाएंगे और न खाने देंगे। मोदी सरकार में चोरी करने वालों के लिए एक ही जगह है, जेल। श्री यादव ने मतदाताओं से राज्य के विकास के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। झारखंड की 1937 से प्रारंभ हुई थी, सपना तो तब देखा गया, लेकिन सपने को पूरा करने में भाजपा ही आगे आई और स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपकी उस मांग को पूरा किया जिसका सपना सबने देखा। उधर कोडरमा संसदीय क्षेत्र के जयनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्टी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में मतदान की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया। भाजपा के 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए उन्होंने कहा कि देश की बागडोर एक मजबूत हाथ में है, एक बार फिर उसी हाथ को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हम तो इस बात के लिए गौरवान्वित होते हैं कि बदलते दौर में जब भारत का अब इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश में एक ऐसी सरकार, एक गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति, अब गरीब होना अपराध है क्या? मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र के जोधपुर में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडे विधानसभा क्षेत्र की पार्टी प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है, ये 2024 में हम लोग रोक देंगे और लोकतंत्री हम लोग बरकरार रहेंगे, इसके लिए हम आप लोग को निवेदन करने आया है। राज्य सरकार की ओर से जो भी यहाँ का विद्यार्थी की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे बेरोजगार रोजगार करने की बात है, हमारा राज्य सरकार से निर्णय है, जो भी बेरोजगार का छोटा मोटा व्यापारी करना चाहता है 25 लाख तक हम लोन देते हैं और उसका बाद 40% उसको हम लोग फ्री छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के जीरूल फुटबॉल मैदान में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने परिवार और पैसे के लिए राजनीति करते हैं उनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है।
इसके लिए उन्होंने राजमहल संसदीय क्षेत्र की जनता से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सम्मेलन में पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद थे। तो गाड़ी में, बस में डीजे बजाते हुए नाचते गाते लोग जाते हैं बारात बहू को लाने के लिए, बात सही है कि नहीं है बताइए। तो आखिर इस काम को किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी विकास, और इसीलिए मैं आप सबको ये बताने के लिए, कहने के लिए, जो लोग अपना परिवार के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, जो लोग पैसे के लिए राजनीति करते, उससे कभी विकास की उम्मीद मत करना। विकास तो कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह ने कहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पर है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से अविलंब इस्तीफा लिया जाना चाहिए। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम ने जनता का कितना पैसा लूटा है यह सामने आना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि झारखंड में जमीन और शराब माफिया सरकार चला रहे हैं, यही वजह है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री सहित दो आईएएस अधिकारी जेल में हैं। झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार ने हमेशा झारखंड को लूटने का काम किया है। भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण चरम पे है, गिरफ्तार किया गया है। 30 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं, तो कल्पना करना चाहिए कितने 100 करोड़ रुपए और उनके पास होंगे। और उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए आलमगीर आलम, यहाँ की सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने आज रांची में लोकसभा के शेष चरणों के चुनाव को ध्यान में रखकर प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए कई टिप्स दिए। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय भी मौजूद थे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में दुमका, गुड्डा और राजमहल सीट के लिए आगामी 1 जून को मतदान होना है। इन तीनों सीटों के लिए 55 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराया है। कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। नाम वापसी के बाद इन सीटों की चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज धनबाद में पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले कई बूथों का निरीक्षण किया। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं हर हाल में बहाल करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन मीडिया कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए रांची के जिला जनसंपर्क कार्यालय में फॉर्म 12 जमा किया था, वे रांची समाहरणालय के ब्लॉक 1 के कमरा संख्या 203 में बनाए गए पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान कर सकते हैं। इधर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के महानिदेशक सह महासमादेष्टा अनिल पाल्टा ने रांची में प्रतिनियुक्त होमगार्ड और फायर सर्विस के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की है। होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज के जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मी रांची में प्रतिनियुक्त हैं या पोस्टेड हैं, उन सभी से अपील करता हूं कि जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और समय पर जाकर चुनाव जो मतदान केंद्र है वहां वोट दें, जरूर दें। वोट के माध्यम से ही आप अपने जीवन में सही तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आज समाहरणालय में बनाए गए पोस्टल बैलेट पेपर बूथ पर अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों से भी मतदान की अपील की। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में अभी तक 13,000 लोगों ने बैलेट पेपर से मतदान किया है। उपायुक्त ने कोडरमा संसदीय चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की है।
ऐसे नहीं आ सकते हैं, ऐसे जो पर्सन में डिसेबिलिटी है या जो ऐसे बुजुर्ग जो वोटर्स हैं उन लोगों के लिए भी जो पंचायत स्तर पे जो छोटी गाड़ियां हैं वो प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है जो कि उनको लेने ले जाने का काम करेगी। तो इस तरह से एक बेहतर माहौल में लोगों तक हम लोग यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध है कि लास्ट 72 आवर्स में लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाए ताकि वो अपने घर से निकल के पोलिंग स्टेशन में जाके जो भी क्यू में लगना है वोटिंग करने के लिए वो काफी कंफर्टेबल महसूस करें। और ये जो 10 घंटा का जो समय है वो हर जगह हर स्टेट में अलग अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन और किस फेज में चुनाव हो रहा है उसके हिसाब से। तो हम लोग लकी भी हैं कि हम लोगों को पूरा 10 घंटा का पोलिंग का समय मिला है। कई जगह कुछ नक्सल जो क्षेत्र है वहाँ पे कम भी रहा है जो समय निर्धारित जो है, लेकिन हम लोग लकी रहे हैं कि अक्रॉस झारखंड सभी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 10 घंटे का समय है। और जो एक मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा पूर्व में एक स्लोगन होता था कि पहले मतदान फिर जलपान, और इस बार का स्लोगन है कि दिन भर मतदान 5 बजे शाम। भले ही थोड़ा सा कम वोटिंग रहा था अभी चौथे चरण में, लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पांचवें चरण में, और चूंकि मौसम भी काफी अभी अनुकूल हो चुका है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और वोटिंग करेंगे। इधर बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए बनाए गए केंद्र में आज तीसरे दिन भी पांचवें और छठे चरण के चुनाव में तैनात किए गए पदाधिकारियों, मतदान कर्मियों, सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों ने मतदान किया। इन दोनों चरणों में राज्य के 7 लोकसभा क्षेत्रों चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर तथा हजारीबाग में चुनाव होना है। सामान्य प्रेक्षक अरुण महेश बाबू एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव ने पोस्टल बैलेट मतदान केंद्र का जायजा लिया और कर्मियों से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले चुनाव को लेकर आज बोकारो विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बीएसएल प्लस 2 हाई स्कूल में अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में सभी कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों ने मतदान से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। सामान्य प्रेक्षक अरुण महेश बाबू ने प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों से संवाद किया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान कक्ष में पुलिस के जवान प्रवेश नहीं करेंगे, यह पीठासीन पदाधिकारियों को सुनिश्चित करना है। पांचवें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में 20 मई को मतदान होगा। इसको लेकर तमाम दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में क्या हैं चुनावी मुद्दे, इसको लेकर हमारे समाचार संपादक ने भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी से खास बातचीत की। पांचवें चरण में देश की जो तमाम हॉट सीट है उनमें से एक कोडरमा भी हॉट सीट है, और वहां से इस बार देश की जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा जी, वो भाजपा की कैंडिडेट हैं। किस तरीके से यहाँ चुनावी कैंपेन चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर रैली की है, और पिछले बार यहाँ से अन्नपूर्णा जी रिकॉर्ड मतों से जीती थी, तो इस बार उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ कोडरमा के चुनावी मुद्दे हैं, हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या मुद्दे इस बार हैं चुनाव में? आज देश के अंदर हर कोई ये चाहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, और लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी करना चाहते हैं। आज कोडरमा की बात अगर हम करें, कोडरमा लोकसभा के अंदर लगातार कई ऐसे कार्य हैं जो बहुत पहले से लोग चाहते थे कि ये हो। कोडरमा में एक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के समय में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उस समय उन्होंने एक नींव रखी थी रेलवे लाइन की रांची से सीधे गिरिडीह को जोड़ने का। आज ये हमारे लिए, उस समय सांसद हमारे स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी थे, मेरे लिए ये सौभाग्य रहा कि उस रेलवे लाइन में जो उनकी अपेक्षा थी, आज इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हमें करने को मिला। बगल में सरिया में जो हजारीबाग रोड स्टेशन है वहाँ भी लगभग 3 दशक से लोगों की ये मांग थी कि वहाँ पर आरओबी बने, क्योंकि बड़ी आबादी है वहाँ पे, हजारों हजार लोग रोज रेलवे जब पार होती थी फाटक बंद होने से लोग परेशान होते थे, तो आज ये भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने शिलान्यास किया और काम चल रहा है। आपने कोडरमा की सेवा 5 वर्षों तक की है, जनता आपको अगले 5 सालों के लिए क्यों चुने,
क्या आपको लगता है कि आप उनके साथ न्याय कर पाई हैं, या कुछ लगता है कि अभी भी बच गया है जो अगले 5 साल में पूरा करेंगे? जो कोडरमा के लोगों की बहुत वर्षों से मांग थी, बहुत सारी ऐसे योजनाओं को मैंने पूरा किया। आने वाले समय में जो यहाँ पे माइका पत्थर, जो एक जिसका कि बहुत ही बड़े पैमाने पे उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पे रोजगार से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं राज्य सरकार के गलत नीति के वजह से आज ये पूरा नहीं हो पाया। आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के लोग बाहर भी रहते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर रोजगार से जोड़ने का ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, और उसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, उसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। एक चीज लगातार जो राज्य सरकार पर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, और चूंकि भ्रष्टाचार एक बहुत ही केंद्र बिंदु और प्रधानमंत्री के भाषण में लगातार वो टारगेट होता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार एक मुद्दा है? आज छोटे छोटे काम के लिए जब लोग लाते हैं तो उस पर भी भ्रष्टाचार है, आज पत्थर की बात करें तो उस पर भी भ्रष्टाचार, यानी माफिया का बोलबाला है, माफिया काम करते हैं। और उसके साथ ही राज्य सरकार के जो चाहे अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा भी काफी बड़े संख्या में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। और उसके साथ गरीब कल्याण अन्न योजना जो यहाँ पे बट रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में दिया था, आज राज्य की सरकार के द्वारा, खास करके हम गिरिडीह जिला की बात अगर करें, बड़े पैमाने पे धांधली हुई, और कई बार इसको मामला उठाने के बाद ये जांच भी हो रहा है कि लोगों को नहीं मिल पा रहा था, यानी गरीबों का निवाला भी ये सरकार खा रही है। आज युवाओं का आप देखें तो जब उनका भर्ती होता है, नियुक्ति परीक्षा ली जाती है, क्वेश्चन लीक होता है, यानी उसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। तो हर मामले में देखें तो ये भ्रष्टाचार, ये उद्योग बना, ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना लिए हैं, और यही वजह है कि आज चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो, आज उनके मंत्री के घर में, जब उनके मंत्री के सहयोगी के नौकर के घर में करोड़ों का ढेर मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर में करोड़ों का ढेर मिलता है, तो ये सारा पैसा कहीं ना कहीं राज्य की जनता का ये लूटा हुआ पैसा इस सरकार के द्वारा वैसे लोगों को ही संरक्षण दिया जाता है। और ये जो गठबंधन है ये भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात है। निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं राज्य की जनता ने ये तय किया है कि फिर से एक बार मोदी सरकार, और राज्य में भी जब चुनाव होगा तब भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। काफी सवाल मैम कि लगातार कांग्रेस पर आप लोगों की ओर से तुष्टीकरण का आरोप लगता है, तुष्टीकरण क्या चुनावी मुद्दा भी है, और जिस तरीके से राम मंदिर, रामलला की स्थापना हुई है, तो क्या आप जनता के बीच इसे भी एग्रेसिवली लेके जा रहे? उनका ये एक एजेंडा बन गया, वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, और आज यही वजह है कि कांग्रेस देश से साफ हो रही है। अब तो जो स्थिति बन गई है कि वो दोहरा अंक भी नहीं ला पाएगी। तो हम बात कर रहे थे अन्नपूर्णा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुद्दा है, विकास मुद्दा है, और साथ ही साथ कांग्रेस ने जिस तरीके से देश में तुष्टीकरण की नीति अपनाई है उससे भी जनता आक्रोशित है और उन्हें उनका विश्वास हासिल होगा। अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर और राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, गिरिडीह। और अब मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी खबर। रांची के पीएमएलए कोर्ट ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद आलमगीर आलम को कड़ी सुरक्षा के बीच आज होटवार जेल ले जाया गया। इससे पहले ईडी की टीम ने टेंडर कमीशन घोटाले में ग्रामीण विकास मंत्री को सुबह 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिनों के रिमांड मांगी थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस केस से जुड़े गवाहों के बयान और छापेमारी में मिले सबूत से यह स्पष्ट होता है कि टेंडर कमीशन घोटाला में आलमगीर आलम की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक रही है। ईडी ने यह भी बताया कि श्री आलम को कमीशन के तौर पर अपने हिस्से का 3 करोड़ रूपये मिला था। जामताड़ा की मिहिजाम पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की तरफ से आ रही एक कार से 16 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पुलिस ने शक के आधार पर कार की तलाशी ली तो बैग में रुपए रखे हुए मिले। पुलिस ने धनराशि के बारे में कार सवार से पूछताछ की तो वह कुछ साफ जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने कैश को कब्जे में लेकर कार चालक और सवार को थाने में रखा है। जांच के दौरान बैग में 500, 200, 100 के नोट मिले हैं।
पलामू एसीबी की टीम ने नावा बाजार के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बच्चन कुमार को 9,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने एक कर्मचारी से मानदेय भुगतान के एवज में घूस मांगी थी। पिछले 22 अप्रैल को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हरिप्रसाद ठाकुर और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बच्चन कुमार ने नावा बाजार में एक विद्यालय का निरीक्षण किया था और एक स्कूल कर्मचारी के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी थी। ऐसी मानदेय भुगतान को चालू करने के लिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। और अब मौसम पर नजर। देश भर में इन दिनों सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं केरल और मुंबई में मौसम के बदलने से जोरदार बारिश भी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आगामी 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके साथ ही गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र और कच्छ में शनिवार से और रविवार से दिल्ली, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। झारखंड में आसमान में बादल छाए रहने से गर्मी की तपिश कुछ कम हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 18 मई तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहेगा, लेकिन उसके बाद 19 और 20 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसी तरह 21 और 22 मई को भी सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 3-4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। और 19 और 20 में जो उत्तर पूर्वी जो संथाल के एरिया है, साथ में जो झारखंड का दक्षिणी एरिया है जहाँ पे पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, इस इलाके में आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है 19-20 में, और 16-17-18 में आपको आंशिक बादल ही देखने को मिलेंगे। और टेम्परेचर का ट्रेंड की बात करें तो उच्चतम तापमान में अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं चेतावनी की, तो 16 और 17 में कोई भी चेतावनी, मौसमी चेतावनी झारखंड के लिए नहीं है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के बर मोहल्ला में भूमि विवाद में हुई मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों में राजेंद्र प्रसाद, उसकी पत्नी उषा देवी, पुत्र नवल कुमार और बिट्टू कुमार शामिल हैं। घटना के संबंध में राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि नीरज प्रसाद उसकी जमीन पर घर बना रहा था, मना करने पर उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। टाटा स्टील ने झारखंड के नोआमुंडी और वेस्ट बोकारो में 2 नए अस्पताल का शुभारंभ किया है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन ने दोनों अस्पतालों का उद्घाटन किया। इस अस्पताल के खुल जाने से कंपनी के कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोगों को लाभ होगा। टाटा स्टील ने यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को ध्यान में रखकर की है। एनएसयूआई ने रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र पंचायत का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व एनएसयूआई की आरुषि वंदना और अब्दुल रबनवाज ने किया। इस छात्र पंचायत में एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा एवं प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा दीपू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कुमार राजा ने विद्यार्थियों के समक्ष कांग्रेस की नीतियों को रखा। पाकुड़ जिले के महेशपुर स्थित बांसलोई नदी के कुलबोना बालू घाट में मजदूरों को बालू की खुदाई के दौरान एक अद्भुत दैविक मूर्ति मिली है। इस बात की खबर मिलते ही मूर्ति को देखने के लिए आसपास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मूर्ति के 500 से 1000 साल पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मूर्ति को अपने संरक्षण में ले लिया है। झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रांची में यूनिसेफ और सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स के सहयोग से आफ्टर केयर और फर्स्ट केयर पर एक दिवसीय राउंड टेबल परामर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के अलावा दिल्ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और एनसीपी नेताओं के बीच चुनावी जंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बरही और कोडरमा तथा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गिरिडीह में की जनसभा।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मांगा इस्तीफा, कहा झारखंड में जमीन और शराब माफिया चला रही सरकार। जामताड़ा के मिहिजाम में वाहन चेकिंग के दौरान 16 लाख रुपए नकद बरामद, नावा बाजार के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को एसीबी ने 9000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, 19 से 22 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश के आसार, वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी।